और सिरोही के आबू रोड रिको थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि अवैध शराब से भरे ट्रक को जब्त यहां पर किया गया है। ट्रक से 380 पेटी हरियाणा निर्मित शराब बरामद की गई है। पुलिस ने संबंध में दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है। 40 लाख रुपए जो कीमत है शराब की बताई जा रही है और मावल चौकी के पास में कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर फिलहाल आपको बता दें, आबू रोड रिको थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब से भरे ट्रक को जब्त किया है। हरियाणा निर्मित अवैध शराब इधर से बरामद की गई है और 40 लाख रुपए बाजार में जो कीमत है वो आकी जा रही है इस अवैध शराब की। हरियाणा निर्मित ये शराब है और मावल चौकी के पास में कार्रवाई ये पूरी हुई है। बड़ी खबर फिलहाल की, अवैध शराब से भरे हुए ट्रक को यहां पर जब्त किया है सिरोही के आबू रोड रिको थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब के प्रकरण में अवैध शराब से भरे ट्रक को जब्त यहां किया गया। 40 लाख रुपए की हरियाणा निर्मित अवैध शराब को जब्त किया गया है इस ट्रक से और 380 पेटियां अवैध शराब की जो कि हरियाणा निर्मित थी उन्हें जब्त किया गया है। 40 लाख रुपए जो मोटी कीमत है वो आकी जा रही है शराब के बाजार में जो कीमत है। मावल चौकी के पास में पूरी कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर फिलहाल, सिरोही के आबू रोड रिको थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां रही। अवैध शराब से भरे ट्रक को जब्त यहां किया गया है, साथ ही में दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है। 40 लाख से ज्यादा की शराब की जो कीमत है वो बताई जा रही है हरियाणा निर्मित की शराब थी और 380 पेटियां शराब जो है अवैध शराब उसे इस ट्रक से जब्त किया गया। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ एवं संवाददाता पुनीत रावल फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बड़ी कार्रवाई पुनीत आपके क्षेत्र में हुई है यहां पर अवैध शराब के खिलाफ में और 40 लाख रुपए की बड़ी खेप को यहां पकड़ा गया है, क्या पूरी अपडेट आपके पास? जी जयति, बताना चाहूंगा कि आबू रोड रिको थाना पुलिस ने अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई करते हुए आज एक ट्रक शराब से भरा जब्त किया। ट्रक में करीब 340 पेटियां शराब से भरी बरामद की गई। बात ही करें शराब की कीमत की तो करीब 40 लाख रुपए की शराब की कीमत आकी जा रही है। पूरी कार्रवाई एसपी पूजा वाना के निर्देशन में हुई है। रिको थाना अधिकारी सुराराम समेत उनकी टीम ने मावल चौकी पर नाकेबंदी करते समय उनको सफलता मिली। जी जयती, पुनीत आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी, क्या इस संबंध में कोई जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि पिछले दिनों भी प्रदेश में इस प्रकार की कार्रवाइयां हुई जब वहां पर हरियाणा निर्मित ही ये शराब होती है। किन क्षेत्रों में इनको खपाया जाना था, क्योंकि बड़ी संख्या में 380 पेटियां एक बड़ी खेप है, कौन से क्षेत्रों में इन्हें खपाया जाना था? चूंकि पंचायत चुनाव आने वाले हैं, क्या उधर इनका उपयोग होने वाला था? जी जयदीप, बताना चाहूंगा कि रिको थाना चौकी के मावल चौकी पर एक गुजरात राज्य से सटा हुआ प्रदेश है जी, जिस कारण पूरी अवैध रूप से गुजरात में शराबबंदी होने के कारण यहाँ से बड़ी मात्रा में शराब की खेप परिवहन की जाती है। उसी के चलते लगातार नाकेबंदी के दौरान पुलिस को अवैध शराब पर सफलता मिलती रहती है। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।